स्टूडेंट्स, ऑब्लिप्रेप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजीव कुमार। लास्ट वीडियो में आपने दिखाया कि काल, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और उनके बारे में जाना। आज हम आपको बताएंगे भूतकाल के बारे में। भूतकाल के भी छह भेद होते हैं, इसको आप पढ़ चुके हैं। भूतकाल के छह भेद होते हैं। नंबर वन, एक होता है सामान्य भूत, सामान्य भूत, ठीक है। नंबर दो होता है आसन्न भूत, भूत, ठीक है। ये छह प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स, छह भेद होते हैं किसके, भूतकाल के, ठीक है। भूतकाल के छह भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि सामान्य भूतकाल क्या होता है, किस वाक्य को सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो यहां इसको हम लिख सकते हैं कि जब भूतकाल की क्रिया का समय ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है, ठीक है। ये पहचान है, सामान्य भूत की पहचान क्या है कि जब क्रिया के होने का समय ज्ञात नहीं होता है। भूतकाल में क्रिया कब हुई, ठीक है। उदाहरण हम इसके अभी आप पहचान लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण देंगे स्टूडेंट्स, और फिर हम आपसे पूछेंगे कि आपका जो क्वेश्चन देंगे हम आपको, उसमें से आप बताएंगे कि उसमें ऑप्शन क्या रहेगा और उसका क्या आंसर है, ठीक है। तो अभी इसको समझना है आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कि भूतकाल क्या होता, कितने भेद होते हैं, और भूतकाल में जो छह भेद होते हैं उन वो क्या होते हैं, उनकी पहचान क्या है, ठीक है। तो जब भूतकाल की क्रिया का समय ज्ञात नहीं होता है, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं उदाहरण यहां लिख देंगे, वह दिल्ली गया, ठीक है। अब देखिए, गया, गई, गए, आया, आई, आए, मतलब कब आया, कब गया, कोई भी समय, जो आने जाने की क्रिया हुई भूतकाल में, उसका कोई समय निर्धारित नहीं है, उसका समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो ऐसा अगर वाक्य आपको आता है वह दिल्ली गया, तो समझ लीजिए यह उदाहरण किसका है, सामान्य भूत का, ठीक है। या और दूसरा उदाहरण देख लेंगे, मोहन ने खाना खाया, ठीक है, मोहन ने खाना खाया। अब हम इसको ऐसे आ ई, इसकी पहचान और हम आपको बता दें, लिख सकते हैं आप आ ई ए। जब किसी शब्द के अंत में आ ई ए आए, ठीक है, तो मोहन ने खाना खाया, ठीक है। शिकारी ने शिकार की, अब कब की पता नहीं, मोहन ने खाना कब खाया, क्रिया कब की मालूम नहीं। तो जब क्रिया के का समय जब ज्ञात नहीं होता है, तो हम उस वाक्य को, उस क्रिया को क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है, ये समझ रहे हैं आप। दूसरा आपका आता है आसन्न भूत, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, जब क्रिया की समाप्ति किसमें पाई जाती है, तात्कालिक भूत में, तत्काल, तुरंत भूतकाल में जब क्रिया समाप्त हुई होती है, तो उसको हम आसन्न भूत कहते हैं। उदाहरण, ठीक है, इसमें अच्छे से समझना है, क्योंकि हम आपको फिर कुछ क्वेश्चन देंगे अंत में, दो तीन क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आपको देना है। जब क्रिया की समाप्ति तत्काल भूत में पाई जाती है, ठीक है, उदाहरण देख लेंगे कैसे, जैसे उसने पूजा की है, उसने पूजा की है, ये क्या है कि उसने जो पूजा की क्रिया की है वो कब, तुरंत भूतकाल में की है ना, कब की है, तुरंत भूतकाल में,
अभी अभी जब लगता है कि कोई क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है ना, तो वो आसन्न भूत होता है। जैसे अभी वह अभी आया है, वह अभी आया है, अगर यह है तो समझ लीजिए वो आसन्न भूत है, क्योंकि उसने आने की क्रिया अभी अभी की है ना, समाप्त की आने की क्रिया। ठीक है, उसने खाना खाया है अभी, मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर जाते हैं तो उसके फादर कहते हैं कि वह अभी अभी सोया है ना, तो कहने का मतलब है कि उसने जो सोने की क्रिया की है या वह अभी अभी जागा है, मतलब जाग तो चुका है भूतकाल में लेकिन अभी वह अभी जागा है। तो कहने का मतलब जब कोई क्रिया तात्कालिक भूत में समाप्त होने का हमें संकेत मिलता है तो वहां बाकी क्रिया जो होती है वो आसन्न भूत होती है। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत, तो पूर्ण भूत क्या होता है, जहां भूतकाल में क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। ठीक है, जहां क्रिया का पूर्ण होना पाया जाता है। अब देखेंगे इसको तो समझते ही हैं, लेकिन इसके क्रिया के साथ में तात्थिति अवश्य होगा ध्यान देकर। जैसे मैंने इस जानवर को पहले देखा था, पहले देखा था, मतलब क्या है, जो देखने की क्रिया है वो पहले पूर्ण हो चुकी है भूतकाल में, वो क्रिया जो है वो पूर्ण हो चुकी है। अब जैसे उसने उससे मुलाकात की थी, ठीक है, या हम इस तरीके से चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना, जब हम इस तरीके से क्रिया को पाते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या किया था, लिया था, दिया था, तो इस तरीके से वो होता है पूर्ण भूतकाल होता है। ठीक, इसके बाद आता है आपका अपूर्ण भूत। जो अपूर्ण भूत होता है ये क्या होता है, हम आपको जैसे वर्तमान में आपने पढ़ा कि तात्कालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया क्या थी, इसकी पहचान रहा है, रही है, रहे है, उसी तरीके से यहां अपूर्ण भूत और तात्कालिक एक ही बात है ना, तो अपूर्ण भूत को रहा था कैसे पहचानेंगे, मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मोहन अपने मित्रों के साथ खेल रहा था, मोहन अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। ठीक है, तो यह क्या है, रहा था आ गया, तो समझ लीजिए यह कौन सा भूतकाल है, यह है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, रहा था, रही थे, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ रहा है ना सब। अब इसके बाद देखते हैं हम संदिग्ध भूत क्या होता है। संदिग्ध भूत क्या होता है, जब मुख्य क्रिया के साथ भूतकाल की क्रिया के साथ गा गी गे आता है, जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं आ होगा,
पहचान है इसकी आ होगा या ई होगी या ए होंगे, ए होंगे, ए होंगे, ठीक है। यह आता है जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण आता है वह कल आया होगा, होगा तो इसमें क्या है, आ होगा आ गया, आ होगा आ गया ना, वह कल आया होगा तो इसके आया होगा भूतकाल में होगा होगी होगे इस तरीके से हम कह सकते हैं आता है, वह कल आया होगा। दूसरा उदाहरण है उन्होंने उसे पढ़ाया होगा, उन्होंने उसे पढ़ाया होगा। तो इस तरीके से जब वाक्य आते हैं क्रिया के साथ होगा होगी होगे शब्द आते हैं तो समझ लीजिए वो कौन सा भूतकाल है, वो है आपका संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब अंतिम है आती हेतु हेतु मत मद वर्तमान काल, हेतु हेतु मद वर्तमान काल, ठीक। नंबर छह हेतु भूतकाल, यह हेतु हेतु मद भूतकाल, इसकी क्या पहचान होती है, तो हम यहां लिख सकते हैं क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, होने वाली थी किंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी, ठीक है समझ गए। भूतकाल में क्रिया को होना था लेकिन किसी कारणवश क्रिया नहीं हो पाई, है ना। जैसे उदाहरण के लिए अगर वाक्य आ जाता है मैं पढ़ता, अब देखिए वाक्य है मैं पढ़ता, इसका मतलब क्या है कि वो मैं पढ़ नहीं पाया, मैं पढ़ता तब तक क्या हुआ था, कोई कारण ऐसा हुआ जो पढ़ने की क्रिया पूरी नहीं हो पाई। जैसे दूसरा वाक्य उदाहरण आया था वह आता, वह आता लेकिन आ नहीं पाया किसी कारणवश, ठीक है। वे आपसे मिलते, वे आपसे मिलते लेकिन मिल नहीं पाए किसी कारणवश। तो स्टूडेंट समझ गए हेतु हेतु मद भूतकाल को, समझ गए इसकी पहचान, जब क्रिया भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी। अगर ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है तो आपका वो हेतु हेतु मद भूतकाल हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम देखते हैं भविष्य काल, इसके केवल तीन ही भेद होते हैं और फिर इसके बाद हम देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमें देंगे, ठीक है। भविष्य काल इसके कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। नंबर एक होता है सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य। नंबर दो संभाव्य भविष्य और नंबर तीन हेतु हेतु मद भविष्य।
ठीक है। ये स्टूडेंट तीन प्रकार होते हैं भविष्य के, और बहुत अच्छी तरीके समझ लेंगे आप। पहला सामान्य भविष्य क्या होता है, ठीक है। तो सामान्य भविष्य होता है, हम कह सकते हैं क्रिया के साथ जो साधारण क्रिया पाई जाती है, जिसके साथ गा गी गे पाया जाता है। मान लीजिए जैसे साधारण वाक्य, जहां साधारण क्रिया के साथ गा गी गे आदि अक्षर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मोहन कल आएगा, मोहन कल आएगा, कोई कंडीशन नहीं है। साधारण का मतलब यह कि कोई भी कंडीशन वाक्य में नहीं होती है, साधारण वाक्य। जैसे मोहन कल आएगा, वह मुझे किताब देगा, ठीक है, मैं वहां जाऊंगा, वह मुझसे मिलेगा। तो ऐसे जब साधारण वाक्य होते हैं गागी के साथ, तो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है, समझ गए। दूसरा जो होता है संभाव्य भविष्यकाल, यहां इसकी पहचान होती है, तो हम लिख लेंगे संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य क्या होता है, भूतकाल की क्रिया के साथ मतलब संभावना की जाए, भूतकाल में जब किसी क्रिया के होने की संभावना की जाती है ना, लेकिन इसके पहले शायद शब्द लगा होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भविष्यकाल, अरे भविष्यकाल में क्रिया के होने की संभावना होती है, ठीक है। भविष्य काल में क्रिया के होने की संभावना होती है, वाक्य से पहले शायद शब्द आता है, तो हम लिख सकते हैं वाक्य में शायद शब्द का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण, है जैसे हमने लिखा शायद वह तुम्हारी सहायता करे, ठीक है, शायद वह तुम्हारी सहायता करे, या शायद वह कल आए, शायद वह कल आए, तो आने की क्रिया क्या है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद आने की क्रिया हो उसके द्वारा, शायद वह आए, शायद मोहन आपकी सहायता करे, शायद वे आपसे मिले, शायद मैं कल जाऊं। तो भविष्य में जब क्रिया, ये पता लगता है कि भविष्य में क्रिया के होने की संभावना होती है, तो वहां संभाव्य भविष्यकाल होता है। ये रहे उदाहरण। और अंतिम आपका है हेतु, मद भविष्यकाल, ठीक है। इसके बारे में और स्टूडेंट जानने के बाद फिर हम आपको क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आपको देना है। हेतु, मद भविष्य, ठीक है। हेतु, मद भविष्यकाल, ये हो गया। ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान ये होती है कि जब भविष्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर, निर्भर होती है, ठीक है,
निर्भर होती है। जब भविष्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, कहां? भविष्य में। जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण हो गया आपका, यदि वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है। देखिए अब दो क्रियाएं हैं यहां, एक तो है आए और एक है जाऊं, दो क्रियाएं हैं, यदि वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, या हम कह सकते हैं यदि वह बुलाए तो मैं जाऊं, ठीक है। तो अब इसमें आप यह बताएंगे कि कौन सी क्रिया किस पर निर्भर है। अब जहां तक मेरा सवाल है कि जो जाऊं क्रिया है वो किस पर निर्भर है, आए पर, यदि वह आए, ठीक है, यदि वह आए तो मैं जाऊं, तो जाऊं जो क्रिया निर्भर क्रिया कौन सी है, जाऊं, तो इसी क्रिया को हम कहते हैं हेतु, हेतु मद भविष्य, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहे आपके काल, आप तीनों ही काल पढ़ चुके हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, ठीक है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे दो तीन, जिसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर वन, बाकी में काल है, ठीक है, बाकी में काल है, वह पढ़ता, ठीक है, वाक्य में काल है। ऑप्शन है आपके लिए, ए ऑप्शन है पूर्णभूत, बी ऑप्शन है आपका संभाव्य वर्तमान, सी ऑप्शन है आपका संभाव्य भूतकाल, भूत, और डी ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, बाकी में काल है ए, बाकी है उसने खाना खाया है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, बी आसन्नभूत, नंबर सी हेतु, हेतु मद भूत, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो क्वेश्चन है आपको जिनका आपको उत्तर देना है। आपने आप वीडियो देखेंगे, देखने के बाद में आप कि समझ में आया नहीं समझ में आया, दो क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और जहां तक भी है, जो नेक्स्ट वीडियो आप आगे की देखेंगे उनमें मैं सोचता हूं कि प्रैक्टिस सेट आपका साथ ही साथ जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी होगा, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करा दिया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारे वीडियोस लगातार, ताकि आपको उसका पूरा फायदा मिल सके, ठीक है। आप वीडियोस भी देख सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, और अपने विचार विमर्श भी कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं हमसे, इनका हम आपको आंसर देंगे स्टूडेंट्स। और फिर मिलते हैं, इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।